अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ करेले मसाला, ठीक है। उसके लिए मैंने करेले जो हैं वो हाफ के जी लिए हैं और इनको मैंने काट के छील के काट लिया हुआ है और इनको मैंने वन एंड हाफ हाफ और ओनली जो है मैंने इसको जो है नमक लगा के रखा था, इसका पानी निकल गया हुआ था और इसको मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से निचोड़ के इसका पानी निकाल दिया था, ठीक है। तो अब मेरे करेले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं तो पकाने के लिए। उसके बाद मैंने हाफ के जी ही जो है हमारे प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, और उसके बाद मेरे पास जो है टमाटर हैं तीन बड़े मैंने काट लिए हुए, छः से सात हरी मिर्च हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट है। और उसके बाद जो मसाले हैं वो नमक मैं बिल्कुल इधर दो चुटकी जो है ना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने पहले करेलों को जो है नमक लगाया था इसलिए हम मैं बहुत कम नमक डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं गरम मसाला ले रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून वन एंड हाफ कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा मसाला है, ज़ीरा है मेरे पास और धनिया पाउडर है, ठीक है। चले आए नाज़रीन, अब हम अपनी हंडिया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने करेले जो हैं उनको करेंगे फ्राई करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल डाल दिया हुआ है और इसको हमने फुल फ्लेम पे गरम करना है, अच्छी तरह गरम करना है और उसके बाद हमने अपने करेले ऐड करने हैं, ठीक है। करेले जो है हमने फुल फ्लेम पे जो है इनको फ्राई करना है ताकि हमारे जो करेले हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो है ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है, गर्म हो गया हुआ है। अब मैं इसमें अपने करेले जो है वो ऐड कर रही हूँ। करेले ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद जो है हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, सॉफ्ट लाइट ब्राउन जो है ये हो जाएंगे। साथ साथ आपने हिलाते रहना है इनको, इनकी साइड चेंज होती रहे ताकि और सारी साइड पे जो है इक्वल वो ब्राउन जो है वो फ्राई हो जाए, ठीक है। तो हम इसको 10 से 15 मिनट फ्राई करेंगे। पंद्रह मिनट के बाद हमारे जो हैं करेले बिल्कुल रेडी हो गए हुए हैं, सॉफ्ट लाइट ब्राउन हो गए हुए हैं और अब हम इसको इनका अच्छी तरह जो है ऑयल निकल जाएगा और हम इसको जो है निकाल लेंगे। करेले निकालने के बाद हमने उसी ऑयल में जो हमारे पास प्याज हैं कटे हुए वो डाल देने हैं और इनको हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, 3 से 4 मिनट हमने इसको ऑयल में रखना है, ऑयल में पकाना है और उसके बाद हमने इसको जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम साथ ही अपनी जो हरी मिर्च और टमाटर कटे हुए हैं वो ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे। अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे जो है पकाएंगे और ताकि जो है ये पक जाए 2 से 3 मिनट के अंदर। उसके बाद अदरक टमाटर और हरी मिर्च जो हमने काटी हुई थी वो ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे और इसके बाद भूनने के बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। मसाला जो हमारा है वो रेडी हो गया हुआ है, अब हम इसमें जो हमारे पास कुटी लाल मिर्च है वो ऐड करेंगे, नमक और हल्दी और उसके बाद हमारे पास जो ज़ीरा है यहाँ पे वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे 10 से 15 मिनट, मसाले को भी अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो है अच्छी तरह हमारा मसाला जो है वो सॉफ्ट हो जाए। बस सूखा धनिया जो है पाउडर वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे नाज़रीन हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है और अब हम इसमें जो फ्राई किए हुए अपने करेले हैं वो ऐड करेंगे और करेले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना गरम मसाला और धनिया ऐड करेंगे
और ये देखें नाज़रीन, मेरे जो करेले वो अच्छी तरह मिक्स हो गए हुए हैं। अब हम इसमें गरम मसाला अपना ऐड कर रहे हैं, और गरम मसाला ऐड करने के बाद हमारे पास जो धनिया है वो मैंने वॉश कर लिया हुआ है, उसको अच्छी तरह जो है ज़रा सारा धनिया मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और ऐड करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट दम देंगे, और दम देने के बाद हमारे जो करेले मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। करेले मसाला बिल्कुल रेडी है, और उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक क्या करें, कमेंट क्या करें, शेयर क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें मेरे वीडियो के नीचे, और मुझे ये प्यार देते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।